क्या नाम है आपका? राम लखन, निवासी आसरा कॉलोनी, ग्राम हैदराबाद, फड़ुआ थाना, पीवीएन, जिला बरेली। आज एसएसपी ऑफिस आए, क्या समस्या? समस्या ये है कि मेरे कॉलोनी में R9, R11 और B4 पर राहुल मिश्रा पुत्र अज्ञात प्रीति मिश्रा पत्नी राहुल मिश्रा ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया था। R11 इन लोगों ने बेच दिया 50,000 कन्फर्म है, वहाँ बंदा रह रहा है, वो खुद बोल रहा है मैंने 50,000 खरीदा है। और B4 में ये रह रहे थे, तो मैंने उसकी कंप्लेंट 25 जुलाई को थाने में की, तो इस लेडीज ने मुझे 28 तारीख को शाम को 7 बजे बैट बल्लों से मारा। इसके हस्बैंड ने मारा, हस्बैंड नहीं, उसका पति नहीं है, उसका कोई है, पत्नी किसी और की है। मेरी माँ बीच बचाव करते हुए उनके भी चोटें लग गई। कॉलोनी में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे बचाता। मैं तो ये लोगों के मुँह देख रहा था कि मुझे कोई बचाए, मेरे अभी घुटने में दर्द हो रहा है, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो गांव के नरेश गंगवार और लोग दौड़ कर आए, उन्होंने बचाई। यार ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता था, वकील पीट रहा है। रिपोर्ट किसने लिखी? थाना इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह, चौकी प्रभारी, पर्सा खेड़ा। क्या कह रहे हैं वो? रिपोर्ट लिखते ही नहीं है मुझसे। ये और कह रहे थे, अभी 3-4 दिन पहले मिले, सिविल डिग्री कॉलेज ड्यूटी थी, तो बोले वकील साहब क्या ज्ञान ध्यान में कुछ नहीं, ऐसी बात हो रही। तो बोले वकील साहब क्यों जेल जाओगे, ये लेडीज कह रही मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो मैंने कहा एक तो ये मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने की दोषी है, और मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। मुझे कोई आप चमट्टा कहोगे, जुतगटा कहोगे, मेरे हाथ पैर तोड़ के मुझे मथुरापुर अड्डे पर बिठा कर गठाई करवाओगे, आई मीन इतना सीरियस मैटर होते हुए मैंने कहा बताओ, कोई मैं कंप्लेंट भी नहीं करूँगा। नहीं, देवेंद्र सिंह आत्महत्या करें, आत्महत्या कर लेगी वो? हाँ, वो आत्महत्या कर लेगी। इन्हें 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 बताया करेगी आत्महत्या? वो तो उन्होंने बताया मुझे, मुझे कहाँ हुई तो वही जान सकते हैं। तो मैं शिकायत भी नहीं करूँगा, शिकायत करूँगा तो आप सुसाइड कर लोगे, इसमें मेरा मेरे ऊपर 306 का केस क्यों चलेगा भाई? मैंने थोड़ी आत्महत्या के लिए उतारा, मैंने थोड़ी कहा आप मुझे मारो। अरे आपको कोई प्रॉब्लम थी, आप थाने में उनका जवाब दे दीजिए, अगर चौकी में बताते हैं। घर किसका है वो? घर वो है मेरे बिरादरी के लोग हैं, जाटा, उनने भी कंप्लेंट कर रखी है, मगर ये कमरा नहीं खाली कर रही है। अच्छा। इसने 11 भेज दिया है। और आज मैं कॉलोनी की ये समस्या लेकर गया था, वहाँ नलकूप खराब हो गया, पानी की किल्लत है, मोटर खराब हो गई, फूक गई है, तो नगर निगम वालों का ये डूडा से हैंड ओवर तो हो जाए हमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डूडा देखने गया, वहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा ये CNDS हैंड ओवर करेगा। ये लेडीज मेरे वहाँ खड़ी अभी मिली है, वहाँ लोगों से खड़ा कर रही थी, तो मैं खड़ा हुआ हूँ, कमरा दिला देंगे, 50,000 लगेंगे। तो सर इस लेडीज का यही काम है ये? हाँ, इसका यही काम है। कांचीराम कॉलोनी सनंगुआ में भी इसने काफ़ी कमरे बेचे हैं, वहाँ भी मैं कल जानकारी करने जा रहा था, तो इन लोगों को पता नहीं कैसे पता लग जाता, वहाँ मिल गए